Hello students, welcome to the third session on chapter number 7, coordinate geometry. In this video, we'll be doing question number 1 to question number 5 of exercise 7.2. So this exercise is based on section formula. क्या होता है section formula? पहले वो देखते हैं. Suppose हमें दो points रखे हैं, point A and point B. इसके coordinates given होंगे. Suppose the coordinates are x1, y1. एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर x2, y2 और हमें एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर x, y जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशो m रेशो n में डिवाइड कर रहा है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी x, y सच दैट ए पी रेशो पी बी इज m रेशो n बट प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि जो पॉइंट पी है वो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर होना चाहिए ओके तो अगर हमें यहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहां पे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है क्रॉस मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा और वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लीकेशन एक्स में ही चलेंगे एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स वन एन इंटू एक्स वन प्लस एम इंटू एक्स टू एम इधर वाले एक्स से प्लस एम इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एन और जो वाई की वैल्यू है दैट शुड बी एन इंटू वाई वन एन वाई वन से मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होते हैं एन इंटू वाई वन प्लस एम इंटू वाई टू ये m जो होगा वो दूसरे वाले y से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू निकालते टाइम पे y पे मल्टीप्लीकेशन होगी x की वैल्यू निकालते टाइम पे x पे मल्टीप्लीकेशन होगी डिवाइडेड बाय m प्लस n तो यहां से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विल बी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ओके एक सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस होता है जिसमें रेशो एम रेशो एन ना होके वन रेशो वन होती है जिसको कि हम मिड पॉइंट बोलते हैं कि पॉइंट पी जो है वो अगर ए बी का मिड पॉइंट है पॉइंट ए एक्स वन वाई वन पॉइंट बी इज x2, y2 1:1 होने का मतलब पॉइंट पी जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो इस फॉर्मूले का नाम जो है वो यही इसी नाम पे मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × x1 वन इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 1 दूसरी साइड पे तो 1 × x1 प्लस 1 × x2 तो ये आ गया x2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम जैसे यहां पे m प्लस n कर रहे थे यहां पे 1 + 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर विल बी 2 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 1 × y1 विच इज y1 प्लस 1 × y2 विच इज y2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 विच इज 2 तो ये x और y की वैल्यूज आ जाएंगे तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला के केस में ये रहेगा x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2 दिस इज द आंसर ये फॉर्मूला रहता है इसका ओके अब आते हैं क्वेश्चंस में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 सो दिस पॉइंट इज सपोज ए -1, 7 एंड पॉइंट बी व्हिच इज 4, -3 और हमें क्या करना है यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है सो दिस इज 2:3 लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी x, y तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y ठीक है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगी 3 इधर मल्टीप्लाई 2 दूसरी साइड पे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। 3 इधर वाले माइनस 1 से, 2 इधर वाले 4 से दूसरी साइड मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम। सो दिस विल बी 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 विच इज 5। तो ये आ गया 5 बाय 5 विच इज 1। 5 बाय 5 1 आ गया। सिमिलरली अगर हमें y निकाल लें तो y विल बी 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 प्लस ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर वाले y से। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो ये हो गया 7 3 जा 21, 2 इंटू 3 इज 6, तो ये हो गया माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया 15 बाय 5 विच इज 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विल बी 1 कॉमा 3। सो एक्स कॉमा वाई था, दैट विल बी 1 कॉमा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3। 4 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सो लेट दिस पॉइंट इज ए विच इज 4 कॉमा माइनस 1 एंड दिस पॉइंट इज बी माइनस 2 कॉमा माइनस 3। ओके, तो अगर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, सपोज दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। पॉइंट पी को मान लिया एक्स वन कॉमा वाई वन और पॉइंट क्यू मान लिया एक्स टू कॉमा वाई टू, जो कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट एज इन की तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट। सो द रेशियो विल बी 1:1:1। सो अगर हमें पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सो दिस इज पॉइंट ए विच इज 4 कॉमा माइनस 1, दिस इज पॉइंट पी जिसको हमने एक्स वन कॉमा वाई वन एज्यूम किया एंड पॉइंट बी इज माइनस 2 कॉमा माइनस 3। तो ये हो गया 1:2। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x1 कितना होगा, 1:2 क्यों हुआ, क्योंकि ये तीन इक्वल पार्ट से। तो अगर मैं p के लेफ्ट साइड पे देखूं तो एक पार्ट है और p के राइट साइड पे दो पार्ट है। सो ये रेशियो हो जाएगी यहाँ पे 1:2। एक्स वन की वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये कितना आएगा, 4 टू जा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 6 बाय 3 विच इज 2। द वैल्यू ऑफ एक्स वन विल बी 2। सिमिलरली अगर हमें वाई वन निकाल लें तो वाई वन कितना आएगा, वाई वन विल बी 2 इंटू माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। ये 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज माइनस 5 बाय 3। तो इसका मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 कॉमा माइनस 5 बाय 3। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ए तो वही सेम है 4 कॉमा माइनस 1, बी इज माइनस 2 कॉमा माइनस 3 और क्यू हो गया एक्स 2 कॉमा वाई 2। तो अगर हम ओरिजिनल फिगर के हिसाब से देखें तो अब क्यू के लेफ्ट साइड पे दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स हैं, तो यहां पे दो पार्ट्स और इधर एक पार्ट, तो रेशो हो जाएगी 2:1। सो अगर हम यहां पे एक्स 2 की वैल्यू निकालना चाहें, तो एक्स 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आएगा 1:4 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 2 इधर वाले x से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 विच इज 4 माइनस 4, ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम y2 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आएगा 1:-1, सो 1:-1
प्लस टू इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन बाय थ्री. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू विल बी जीरो कॉमा माइनस सेवन बाय थ्री. दिस इज द आंसर. ओके, तो हमें यही पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी. सो दिस इज ए बी सी डी, ये ए बी सी और यहाँ पे डी, ये रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है. लाइन्स हैव बीन मार्क्ड, हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच. तो ये जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल में बना रखी है वन टू थ्री फोर फाइव, ये वन वन मीटर के डिस्टेंस पे. हंड्रेड फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग ए डी. जो ए डी लाइन थी, ये जो ए डी लाइन थी, इसके ऊपर हंड्रेड फ्लावर पॉट्स ऐसे लाइन में लगा दी. निहारिका रन्स वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन. सो दिस गर्ल इज निहारिका, जो कि सेकेंड लाइन पे भाग रही है. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी हैज कवर्ड वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस ए डी. अब अगर ए डी के बीच में यहाँ पे हंड्रेड फ्लावर पॉट्स थे और ये वन फोर्थ भाग चुकी है, इसका मतलब निहारिका कितना डिस्टेंस भाग चुकी है? निहारिका हैज कवर्ड वन फोर्थ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब 25 मीटर वो भाग चुकी है. और क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे भाग रही है, इसका मतलब जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एन मान लिया, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स विल बी 2.25. therefore coordinates of Niharika will be 2.25. ये आ गया. Similarly, अगले के लिए क्या बोले, प्रीत. प्रीत, अच्छा इसके पास जो है ग्रीन फ्लैग, शी हैज अ ग्रीन फ्लैग निहारिका. प्रीत रन्स वन फिफ्थ ऑफ द डिस्टेंस ए डी ऑन द एट्थ लाइन. एट्थ लाइन पे ये प्रीत है जो भाग रही है और इसने वन फिफ्थ ऑफ द डिस्टेंस कवर किया. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत इज वन फिफ्थ ऑफ हंड्रेड विच इज 20. मतलब शी हैज कवर्ड 20 मीटर डिस्टेंस. इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, जो कि हम P से डिनोट करें, दिस विल बी 8 थ्रो, x एक्सिस पे 8 हो गया, y एक्सिस पे 20. सो दिस विल बी 8.20. सो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8.20. वट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स. तो निहारिका और प्रीत के फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, NP कितना होगा वो निकालना. तो विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 8 माइनस 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 20 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर इज 25. तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 61 मीटर, क्योंकि जो यूनिट चल रही थी वो मीटर चल रही थी हर वक्त. तो निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 61 मीटर. नेक्स्ट क्या बोले, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स. अब निहारिका और प्रीत के जो फ्लैग्स हैं इसके एग्जैक्टली सेंटर में, अब सेंटर में कहां पे आएगा पता नहीं, यहां पे अब रश्मि को एक फ्लैग पोस्ट करना. तो हमें यह बताना है वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग. अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे करना है तो इसका मतलब जो निहारिका और प्रीत है, ये जो निहारिका और प्रीत है इसके मिड पॉइंट पे हमें रश्मि को फ्लैग पोस्ट करने. तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं 2.25 एंड प्रीत के कोऑर्डिनेट्स आर 8.20. सो लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि इज x, y. अब ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 हो गया. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर रश्मि के क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. तो 2 प्लस 8 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 तो कॉमा 25 प्लस 20 बाई 2. तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 2 इज 10, 10 बाई 2 5 हो गया, कॉमा 25 प्लस 20 45, 45 बाई 2 इज 22.5. इसका मतलब रश्मि
will post the flag on fifth row between 22nd and 23rd flower pot. 22.5 है तो एग्जैक्टली पोजीशन नहीं है फ्लावर पॉट की, तो 22nd और 23rd जो फ्लावर पॉट होगा उसके बीच में ऑन दी फिफ्थ रो पे, तो ये फिफ्थ रो जो होगा ये रश्मि के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि 22nd और 23rd फ्लावर पॉट के एग्जैक्टली मिडिल में आएगा. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6. So let us suppose this point is A, which is -3, 10. Point B is here, which is 6, -8. And this is point P, जो कि -1, 6 है. अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है कि रेशियो होगी क्या. अब रेशियो अगर फाइंड करनी हो तो हम उसको m रेशियो n लेके भी कर सकते हैं या फिर हम k रेशियो 1 ले लेते हैं. दो वेरिएबल्स में कई बार दिक्कत रहती है, तो बेटर मेथड इज कि अगर हम इसको k रेशियो 1 ले लें. हमने क्या किया, लेट रेशियो बी के रेशियो 1. तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे. ये इधर मल्टीप्लाई होता था, ये इधर मल्टीप्लाई होता था. सो x वाला कोऑर्डिनेट जो कि -1 है, ये किसके इक्वल होगा, 1 इंटू माइनस थ्री प्लस के इंटू 6 डिवाइडेड बाय के प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के माइनस 1 इज -3 प्लस 6 के. अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है तो के वाली टर्म से एक साथ कर दी, तो माइनस के माइनस 6 के इज -3 प्लस 1. तो हो गया माइनस का 7 के इज इक्वल टू -2. तो के कितना आएगा, -2 बाय -7 विच इज 2 बाय 7. तो के की वैल्यू आ गई 2 बाय 7. तो k की वैल्यू 2/7 होने का मतलब जो रेशियो है वो 2/2:7 हो जाएगा. बट सिर्फ x से वेरीफाई नहीं करेंगे, हम y से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों से सेम आ रही है कि नहीं आ रही. ऑल दो दोनों से सेम आनी चाहिए. तो जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, 6 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय, अब k मल्टीप्लाई होगा इधर वाले y से विच इज -8 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. So this will be 6k plus 6 is equal to 10 minus 8k. Minus 8k इधर आगे plus का 8k हो गया, तो 8 and 6 14k is 10 minus 6 which is 4. तो k आ जाएगा 4 upon 14 which is 2/7. तो इसका मतलब रेशियो क्या आ जाएगी, 2/7:1, या फिर हम इसको 2:7 भी बोल सकते हैं. एक ही बात है, नॉर्मली हम फ्रैक्शंस में ऐसे रखते नहीं है. अगर फ्रैक्शन में आ रहा होता है तो इसको 2:7 बोल देंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 1, -5. तो दिस इज पॉइंट ए विच इज 1, -5 एंड बी विच इज -4, 5. तो बी इज -4, 5. इज डिवाइडेड बाई दी एक्स एक्सिस. तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, मुझे वो निकालना. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये भी पूछा, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना. हमें बताया कि क्योंकि पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा. सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी x, 0 एंड रेशियो जो दे रखी है वो हमने मान ली k रेशियो में. अब क्योंकि पहले a दे रखा है फिर b दे रखा है, तो a वाली साइड पे k और b वाली साइड पे 1 होगा. पॉइंट a, ये B, ये पॉइंट P इसके बीच में. तो A है 1, -5, B है -4, 5 एंड पॉइंट P ये है x, 0. ये हो गया K रेशियो में.
तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो x किसके बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय -4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 के डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अभी यहां से तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते, तो y वाला पार्ट दूसरा इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम y निकाल के देखें तो 0 किसके इक्वल होगा, 1 इंटू माइनस 5 प्लस k इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5k, तो 5k विल बी इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। k की वैल्यू 1 होने का मतलब जो रेशियो है विल बी 1:1 मतलब ये पॉइंट P जो है वो AB का मिड पॉइंट होता है। और अगर हमें x की वैल्यू भी निकालनी, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो x की वैल्यू विल बी 1 माइनस 4 के अपॉन के प्लस 1। 1 माइनस 4 दिस इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P के विल बी -3/2 कॉमा सी, दिस इज द आंसर। तो जो रेशियो रहेगी वो आएगी हमारे पास 1:1, और जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी -3/2 कॉमा सी। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।